आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। गाइज आज तुमको कुछ बताना है तो बड़े ध्यान से सुनना। तुमको कैसा लगेगा अगर तुमने अपने डिवाइस अपने फ्रेंड्स को यूज करने के लिए दिया हो और जब अगले दिन अपने डिवाइस को चेक करो तो भाई तुमको उसमें एक भी गेम प्ले की वीडियो ही ना मिले। लगभग भाई 15 से 20 वीडियोस जो है वो तुम्हारी गेम प्ले की डिलीट हो जाए और हर एक वीडियो लगभग 17 18 20 25 21 23 किल वाली वीडियो। तो सोचो अब ये किसने किया ये मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। बस मैं इतना जानता हूं कि मैं अपना काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा और इससे मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बस अब तुम सबसे यही कहना है, इन सब की वजह से जो टाइम वेस्ट हुआ है अभी तक उसकी भरपाई के लिए यार वीडियो को पूरी देखना। वैसे मुझे पता है तुम पूरी देखोगे, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे बड़े भाइयों और उनके छोटे बहनों कैसे हो, स्वागत करता हूं आज आपका एक और BGMI के गेम प्ले वीडियो में, जहां पर मैं करता हूं अपनी घसी पिटी सी कमेंट्री और आप लोगों को देखने के लिए मिलता है इसके साथ साथ एक बहुत ही नकली एंटरटेनमेंट। तो भाई आज के ये सीन होते हैं, नीचे उतरते हैं और दो लपड़ झुंडो बोर्ड दिखते हैं, तो भाई दोनों की पेटी बनाते हैं और उसके बाद रोजोक की पहाड़ी के आसपास से गोली चलने की आवाज आती है। तो मैं इधर आ जाता हूं और आगे रोड पे एक बंदा दिखता है। खैर मैं बता दूं ये गेम मैं रैंडम के साथ खेल रहा हूं और भाई थोड़ी देर बाद 3 नंबर आता है और वो आगे की तरफ चला जाता है और उसको कोई नॉकआउट कर देता है। अब 3 नंबर को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता हूं और भाई जहां पर बंदा होता वहां पर नेड करने की सोचता हूं। यहाँ पर मैं नेट फेंकने वाला होता कि ये 3 नंबर की पेटी बनाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, तो मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ और अब देखना 3 नंबर कुछ ज्ञान की बातें बताएगा। सामने है मारना है। बम डाल, बम बम डाल, ग्रेनेड डाल, ग्रेनेड। थोड़ा आगे डाल, है ये सामने ही है, सामने या पीछे? हाँ फड़ा जा, ले 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 शाबाश। पहले तो भाई का माइक खुला नहीं था लेकिन भाई जैसे नॉकआउट हो गए तो इतनी डिटेलिंग देनी शुरू कर दी कि ये नेड है, इसको निकाल, ऐसे फेंक, यहाँ से आ, मतलब यार मजा आ गया सुन करके। तो यार इसी के लिए तुम यहाँ पर लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो। और इसके बाद यहाँ से गाड़ी को लेकर के जा ही रहे होते कि टैक्स सेंटर के पास से आवाज आती है गोली चलने की। अब जब तक हम यहाँ पर पहुंचते हैं 2 नंबर की पेटी बन जाती है। अंदर जाते हैं तो भाई जोड़ मोड़ करके देखा जाए तो अंदर 3 बंदे होते हैं। लाइक का बटन दबा देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो। अब पेटी को लूट ही रहे होते कि फुटस्टेप आते हैं। अब इसकी पेटी बनाता और उसके बाद सर के ऊपर से फुटस्टेप आने लगते हैं और थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक गाड़ी भी आती है और भाई उस गाड़ी में उसी के बंदे होते हैं जिसके फुटस्टेप आ रहे हैं। लो जी गाड़ी भी आ गई, गाड़ी है गाड़ी। गाड़ी के बाद सुनकर फटाक से यहाँ पर फर्स्ट एड लगाता हूँ और उसके बाद भाई मैं उनको ढूंढ रहा होता हूँ और वो मुझे ढूंढ रहे होते हैं, तो पकड़म पकड़ाई चालू होती है। उतने में दूसरे साइड की सीढ़ी पर आता हूँ और यहाँ पर एक नेड करता हूँ। मैंने आगे की तरफ नेड फेंका, सोचा भाई वो वहां पर होंगे तो उड़ जाएंगे, पर वो वहां पर नहीं थे। तो उसके बाद मैं यहां से पकड़म पकड़ाई खेलते खेलते नीचे की तरफ आता और जैसे इस कमरे में आता हूं तो क्या होता है, मौली मैं करने वाला था लेकिन इन्होंने कर दिया गलत बात। खैर यहाँ पर अब मुझे कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि 2 बंदों ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं तो भाई मैं उनको एक ही गिनता हूं लेकिन असल में वो 3 होते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है भाई। अब
अब जैसी पीले वाले की पेटी बनी तो मैंने गन को रिलोड कर दिया और उसके बाद भाई एक और पीला वाला मुंह के सामने आ गया। मैंने सोचा भाई ये क्या हो गया, पर जैसे तैसे भाई सिचुएशन को हैंडल कर लिया। तो तुम इसी के लिए यहाँ पर लाइक का बटन दबा दो और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना। इसके बाद गाड़ी पकड़ते और सीधा चर्च पे पहुंचते हैं। इस बंदे ने जो ही माइक खोला उसके बाद तो भाई एडवर्टाइजमेंट की लिस्ट लग गई, जैसे कि आप यहाँ पर सुन रहे हैं, कहीं मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक ना दिलवा दे। खैर यहाँ पर भाई अब यहाँ पर मैं आगे की तरफ देख ही रहा हूँ कि चर्च में भाई पीछे की तरफ बंदे आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? तीन है। अब तीन नंबर भाई हमें यहाँ पर गाइड करते हैं। ग्रेनेड डालो। पता नहीं मेरे नेड है कि रूए के गोले, भाई लगते ही नहीं है, इतने नकली नेड है, चाहे कोई कितना भी गाइड कर ले। ऊपर है ऊपर। खैर इनके नेड से भी हमारे को कुछ नहीं होता और इसके बाद यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ने पे बंदा भी दिखता है और यहाँ पर भाई हमारा तीन नंबर पकड़ा जाता है। उफ ये एडवर्टाइजमेंट। अब इस बंदे को फायरिंग दिया और उसके बाद इस पेड़ के पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पर इसलिए आता हूँ ताकि भाई इस तीन नंबर का माइक बंद कर सकूँ, वरना ये कॉपीराइट स्ट्राइक दिलवा के रहेगा। लेकिन जल्दी जल्दी में दो नंबर का माइक ऑफ हो जाता है। अब नेट फटेगा और तीन नंबर की पकड़े जाने की बारी आ गई। अब जितने में आगे पहुंचता हूँ बहुत देर हो जाती है भाई, उसकी पेटी भी बन जाती है। अब इस सन्नाटे में घिरे हुए इंसान को पकड़ता और यहाँ पर तीन नंबर को जुखाम हो रहा होता है। अब ये बंदा तो चर्च के छपड़े पे चढ़ा हुआ होता है। खैर यहाँ पर भाई नीचे वाले की पेटी बनाते ताकि तीन नंबर का बदला पूरा हो जाए। जैसे इसकी पेटी बनाता हूँ ऊपर वाला भी नीचे आता है। कबड्डी 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 कबड्डी। जंप एंड शॉट देता और सीधा इस बंदे की पेटी बन जाती है। अब यहाँ पर भाई तीन नंबर का बदला भी हो चुका था और रैंडम बंदा था तो वो भी छोड़ के चला गया था। खैर यहाँ पर ग्रोसा को मंगाता हूँ, ग्रोसा को लेने के बाद सीधा गाड़ी पकड़ के आगे जाता हूँ और भाई घर में बंदे होते हैं। दोनों घर में एक एक बंदे होते हैं। अब नेट कुक करता हूं और सीधा ऊपर फेंक देता हूं ताकि बंदा बहरा हो जाए या तो उसकी पेटी बन जाए, और क्या होता है चलो देखते हैं। अब जैसे ही इसके पेटी बनाता हूँ तो इसका दूसरा वाला बंदा भाई नेड मार देता है। बड़ा चलाक बन रहा था तो भाई मैं भी सीधा घर से बाहर आ गया और आराम से यहाँ पर पेटी लूटी और उसके बाद मैं भी सोचता हूँ भाई मैं भी नेड करता हूँ। अब देखना मेरे पास जितने नेड होंगे सारे फेंक दूंगा कि बंदा उड़ना चाहिए। मैंने ठान ली थी कि भाई आज तो बंदे को उड़ा के रहना और भाई दूसरा और तीसरा नेड भी फेंक दिया। इतने सारे नेड फेंके फिर भी बंदे को कुछ नहीं हुआ, मतलब इतना नकली नेड है क्या ही बताऊं, फिर भी मौली से ही पेटी बनी उसकी। यार क्या दिक्कत है मेरे से नेड की। उन दोनों बंदों की पेटी बनाने के बाद मैं घर में वेट करता हूं और वहां से जोन हट जाता है तो भाई यहां पर घास में आके लेट जाता हूं और आगे की तरफ जो आप वो लोहे की टीन लगी हुई देख रहे थे पेड़ के पास, वहां पर गिली सूट में एक बंदा है तो भाई वहां पर एक स्मोक फेंक देता हूं और दूसरी तरफ भी एक स्मोक फेंक देता हूं ताकि बंदों को गुमराह कर सकूं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? यहाँ पर मेरा यही रिएक्शन था कि इतने में भाई आपस में जो दो बंदे होते हैं वो एक दूसरे को ढूंढ लेते और भाई यहाँ पर गिले सूट वाला ही बचता है। फिर गिली सूट वाला उसकी पेटी बनाता और सीधा जो मेरे आगे पेड़ है भाई उसके नीचे दुबक के बैठ जाता है। तो चलो यहाँ पर नेड की एक और परीक्षा लेते हैं। अगर कोई कंपटीशन रखे ना कि भाई बंदे के मुंह पे नेड मार और वो नेड फटना भी चाहिए लेकिन बंदे को कोई नुकसान ना हो, तो उसमें मैं फर्स्ट आऊंगा।
अब जैसे कि देख रहे हो भाई, कोई उम्मीद नहीं, नेट कहीं भी फट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और करता हूँ, चलो देखते हैं क्या होता है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई अरे इस बार तो तेरा नेट सही जगह पर गिरा, पर मैं बोलूंगा आलू बैगन लौकी सही जगह पर गिरा। भाई इस बार भी उसकी पेटी नेट से कहाँ बनी, आखिरकार तो ग्रोजा ने उसकी पेटी बनाई ना, मतलब मेरा नेट लग ही नहीं सकता। खैर यहाँ पर उतरते हैं, फुटस्टेप आते हैं, बंदा दिखेगा। अब इस बाबूजी की तो पेटी बना दी, और उसके बाद भाई ये जो फुटस्टेप आ रहे छत के ऊपर से, इसको मैं ढूंढता रहता हूँ कि आखिरकार ये बंदा है का। उसके बाद भाई साहब मिलते हैं। बड़े बेसब्र हो यार तुम लोग, अभी मिलेगा। चलो भाई अब पिंटुक भाई की पेटी बनाते हैं। सॉरी पिंटुक भाई। अब पिंटुक भाई की पेटी बनाने के बाद रोजोक की पहाड़ी पे से आवाज आ रही थी गोली की, तो मैं वहां पर जाता हूं फिर। अब फ्री फंड की एक किल मिलेगी, दिखाऊं? देखो भैया, नॉकआउट किसी और ने किया और मैंने किल टपा ली। उसके बाद यहां से मैं पहाड़ी से नीचे उतरता हूं, और सामने की तरफ जो घर देख रहे हो उसी में वो बंदा होता है जिसने नॉकआउट किया होता है, तो यहां पर मैं नेड करता हूं। वैसे अभी पिछले गेम का नेड का दुख और दर्द गया नहीं है। यहाँ पर उम्मीद भी क्या की जा सकती है भाई, लगना तो है नहीं। अब तुम सोचोगे कि भाई फेंक भी क्यों रहा है, तो भाई बैग में इतने सारे पत्थर भरे हैं, तो सोचा भाई थोड़ा वजन कम कर लूं। इसके बाद मैंने सोचा कि भाई खुद ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ रहा हूं, सबर करो, अब देखना भाई वो भी नेड करेगा, पर उसका भाई नकली नहीं होगा। मेरे को नेड की पिन खींचने की आवाज आई और मैं सीधा ऊपर की तरफ बढ़ गया, और भाई मैंने उसको नॉकआउट तो कर दिया, पर उसका नेड मेरे मुंह के सामने गिर गया। तो मैंने भी शौचालय की टेक्निक अपनाई, सीधा दीवार से चिपक के खड़ा हो गया, और भाई जैसे तैसे बच गया बस। अब आगे की तरफ से बड़ी देर से गोली चलने की आवाज आ रही थी, तो भाई बंदे भी दिख रहे थे, तो मैं सीधा गाड़ी को लेकर के वहां पर पहुंचता हूं। अब जैसे यहां पर पहुंचता हूं, तो भाई एक ने दूसरे को नॉकआउट कर दिया, और यहां पर भाई फ्री की किल फिर से। खैर यहां पर फुटस्टेप आ रहे थे, और मैं समझ जाता हूं कि भाई बंदा कहां पर है, तो यहां पर देखना भाई एकदम टिका के नेड मारूंगा, क्योंकि मुझे उसकी पोजीशन भाई 200% पता थी इस बार। यहाँ पर मैंने उस बंदे को कोने में खड़े हुए देखा था, तो भाई इसलिए जैसे तैसे करके यहाँ पर काम बन गया, पर बार बार भाई नेट लगेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, तो भाई इस भ्रम में मत रहना तुम कि अगली बार लगेगा। खैर यहाँ पर एक बंदा दिखता है जो कि पता नहीं असली तो होता है, लेकिन इसकी हरकतें भाई एकदम बॉटो वाली थी, देखो। अब तुम बोलोगे कि भाई हो सकता है कि ये बॉट ही हो, पर इसने भाई नाम की जगह फोन नंबर दे रखा है। अब तुम्हें प्रूफ चाहिए तो भाई सीधा इसके पास फोन करके पूछ लेना कि भाई वो तू ही था ना। खैर असली में यहाँ पर एक बॉट दिखता है, तो भाई उसकी पेटी बनाने के बाद गाड़ी को लेते हैं 4 नंबर के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर तुम्हें बाइक की हल्की हल्की आवाज आ रही होगी, अब यहाँ पर भाई धूम 169 बनेगी, देखना। गलत, बहुत बहुत ज्यादा गलत हुआ भाई, इन लोगों में कोई तमीज नाम की चीज ही नहीं है, मतलब कहीं भी सांप बन जाओ। आगे की तरफ सांप बन के लेटा हुआ था, और उसने भाई उस बाइक वाले को भी लपेटा, और उसी के साथ साथ मुझे भी, लेकिन जैसे तैसे भाई यहां पर 4 नंबर था, तो भाई बच गए। और उसके बाद इस बंदे की पेटी बनाता हूं। इसकी पेटी बनाने के बाद नदी किनारे भाई एक बॉर्ड भैया दिखता है, तो भाई इसकी पेटी बना ही रहे होते हैं कि इतने में भाई नदी पार जो है गोलियों की आवाज आ रही होती है, तो एक और बंदा दिखता है।
अब जैसे तैसे करके दिख जाता है तो भाई एक दो पटके देने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे इसकी पेटी बन जाती है तो भाई थोड़ी देर बाद मैं अंदर की तरफ घूम ही रहा होता हूँ कि बग्गी की आवाज आती है। फिर क्या, फिर आगे जाते हैं, बंदा दिखता है। अब ये बंदा लूटने में इतना ज्यादा मगन होता है कि इसको पता ही नहीं चलता इसकी पेटी कब बन जाती है। खैर यहाँ पर इसके बाद भाई दो फालतू के इंसान दिखते हैं जिनके हम यहाँ पर पेटी बना देते हैं, तो उनके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके बाद भाई दो नंबर, चार नंबर और मैं सीधा अपार्टमेंट में पहुंचते हैं और बंदा होता है। अब जितने में मैं ऊपर पहुंचूंगा भाई दो नंबर की पेटी भी बना दी जाएगी। उछल कूद बंद करो और पेटी बनवाओ अपनी, दो नंबर को कैसे पेल दिया तुमने। खैर यहां पर गोली चलने की आवाज आती है और आगे देखता हूं तो ये बंदा जिसके ऊपर भी गोली चला रहा था भाई उसकी भी पेटी बनाई और इसी के साथ साथ इसकी भी पेटी बनाई, तो दोनों का काम तमाम। अब इतने में भाई मैप में साइन बनने लग गया कि आसमान से कोई लैंड कर रहा है, तो मैं ऊपर देखता हूं। अब इसको इतने फटके तो दे ही दिए थे कि इसकी पेटी बन जाती, और ऐसा होता भी है। और फिर इसके बाद गाड़ी को पकड़ के सीधा रोजॉक की पहाड़ी पे पहुंचते हैं क्योंकि गोली चलने की आवाज आ रही थी। अब ये दोनों भी गजबी आइटम थे भाई, एक ही जगह पर जाके बार बार खड़े हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर भाई पेटी तो बन गई दोनों की। अब चार नंबर कहता है कि भाई हमारे पीछे की तरफ भी कोई है, तो हम सीधा गाड़ी को पकड़ के आगे जाते हैं और देखो क्या होता है। अब इससे पहले इन बंदों को पकड़ पाते भाई ये लोग हवा में फरार हो गए, तो इसलिए हमने भी गाड़ी पकड़ी और सीधा रोजॉक की नदी किनारे आ गए। और फिर नहीं लगा, अब रनिंग शॉट देखना। हाँ हाँ मानता हूं नॉकआउट नहीं हुआ, पर यार रनिंग शॉट तो लगा। खैर चलो अब नॉकआउट भी करते हैं। अब इसको इतने फटके देने के बाद मुझे लगा इसकी पेटी बन जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आगे स्मोक हो जाता है और इसके बंदा इसको रिवाइव देने के लिए आ ही रहा होता है, तो इसके बंदे को भी एक फटका दूंगा। और भाई जिसको नॉकआउट किया था उसका हल्का सा पैर मेरे को दिख जाएगा, तो देखना उसके टांगे तोड़ देंगे। ये पड़ा फटका और ये दिखी टांग। काश जो बंदा स्मोक से निकलता हुआ आया था वो भी एक बुलेट में नॉकआउट हो जाता, तो अभी भाई मजा ही आ जाता यहाँ पर भाई 23 किल हो जाते। लेकिन आखिरी बंदे को भाई चार नंबर नॉकआउट कर देता है, देखो। तो भाई इसी के साथ साथ जैसे तैसे करके हमारे यहाँ पर हो जाता है भाई मुर्गी मुर्गी डिनर। और भाई अब यहाँ पर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, इसलिए भाई चलो अब तुम्हारे कमेंट्स को देखते हैं। और भाई जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि भाई आप जो भी कमेंट्स करते हो तो वो हम वीडियो के लास्ट में दिखाते हैं, तो भाई अब उनके कमेंट्स देखने का वक्त है, तो आप भी यहाँ पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलो भाई